विश्व कप 2019 में टीम इंडिया का विजयी अभियान शुरू हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से पटकते हुए भारतीय टीम ने बुधवार को विश्व कप का 8वां मुकाबला अपने नाम किया। साउथैम्पटन में खेले गए इस मैच में हिटमैन रोहित शर्मा ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली। 228 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 13 रन के स्कोर पर टीम को शिखर धवन के रूप में पहला झटका लगा। तेज गेंदबाज कागिस और रबाडा ने उन्हें विकेट के पीछे डिकॉक के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। धवन केवल 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान विराट कोहली भी ज्यादा देर तक रोहित शर्मा का साथ नहीं निभा पाए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी हुई। इसके पहले की ये पार्टनरशिप खतरनाक साबित होती, फेलुकवायो ने कप्तान कोहली को विकेट के पीछे लपकवाया। अब टीम इंडिया की हालत नाजुक लगने लगी थी, लेकिन रोहित शर्मा ने पहले केएल राहुल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए अहम 85 रन जोड़े। केएल राहुल ने समय के मुताबिक 42 गेंदों में 26 रन की धीमी लेकिन सूझबूझ भरी पारी खेली। जम चुकी इस जोड़ी को रबाडा ने 32वें ओवर में तोड़कर अपनी टीम को मैच में वापसी दिलाई। एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन आज रोहित कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरे थे। नए बल्लेबाज धोनी के साथ मिलकर उन्होंने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि शैली के विपरीत खेलते हुए 128 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपने करियर का 23वां शतक भी पूरा किया। ये लगातार तीसरा मौका है जब भारत के किसी बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में शतक लगाया है। इससे पहले 2011 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ भी कोहली ने शतक लगाया था। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य रखा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। वही टीम इंडिया की तरफ से युजवेंद्र चहल ने सबसे अधिक 4 विकेट, जबकि बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 1 विकेट चटकाया।